सड़क बना दी, आधे बीच में सड़क छोड़ दी, फिर पाइप डाल दिए, फिर सड़क छोड़ दी। सारी समस्याएं हैं भैया, गली टूटी पड़ी है, आने जाने में दिक्कत होती है, सारे प्लॉट गंदे पड़े हैं, इतने मच्छर हो रहे हैं, इतनी गंदगी हो रही है यहाँ पे। बिल्कुल कोई कर्मचारी सफाई के लिए यहाँ आता नहीं है, आता है तो प्लस कहता जी कुछ खर्चा पानी दो तो ही करेंगे। सफाई नहीं है, नाले की सफाई नहीं है, कूड़े के ढेर हैं, हर प्लाट में कोई उठाकर राजी नहीं, अगर किसी को कहते भी कहने लगे हम खर्चा पानी तो हम कर देंगे। नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। शाम के 5 बज गए हैं और हम पहुंच चुके हैं स्वरूप नगर, बादली के स्वरूप नगर वार्ड नंबर 19 में। हम यहां पर MCD चुनाव आने वाले हैं, इससे पहले वोटिंग से पहले जनता की समस्या जानने के लिए हम स्वरूप नगर वार्ड नंबर 19 पहुंच गए हैं। आइए जानते हैं यहां पर जनता की समस्या क्या है। रोड देख लो एक बार, कभी तो सड़क बना दी, आधे बीच में सड़क छोड़ दी, फिर पाइप डाल दिए, फिर सड़क छोड़ दी, फिर सीवर डाल दिए, फिर सड़क तोड़ कर डाल दी है। और पार्क देख लो, पार्क गेट नहीं लगे, क्या सुविधा है? कुछ सुविधा नहीं है, बस सिर्फ ये कर रखा है कि गरीबों को राशन मुफ्त दे रहे हैं, बस ये सुविधा है, और कोई सुविधा नहीं है, बस और कोई सुविधा नहीं है। और ये आपके वार्ड में हर जगह कचरा लगा हुआ है, इकट्ठा है? ये तो इकट्ठा है, ये तो कोई देखने वाला नहीं है, बस हाँ ये देखो ना भैया, सारे में जाके देखो। सारी समस्याएं हैं भैया, गली टूटी पड़ी है, आने जाने में दिक्कत होती है, सारे प्लॉट गंदे पड़े हैं, इतने मच्छर हो रहे हैं, इतनी गंदगी हो रही है यहाँ पे, सारी समस्याएं हैं। सीवर डालने के, कभी सीवर डालने के लिए गलियां खोद देते हैं कभी किसी लिए, और फिर वो रिपेयर होती नहीं। सफाई कर्मचारी आते हैं आपके वार्ड में? नहीं आते, कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता, सारी गलियां ऐसी गंदी पड़ी रहती हैं। गलियों में जाके देखो कितनी गंदगी हो रही है, इतने मच्छर ही मच्छर हैं। एक बार तोड़ने आएंगे गैस पाइप वाले, फिर वो ठीक करके जाएंगे, फिर ठीक भी नहीं करते, वो ठीक नहीं करते, फिर आएंगे गली वाले, समर इस वाले सीवर डालने वाले, फिर वो बीच की तोड़ के चली जाएंगे, फिर ये नहीं बनेगी इससे पहले, फिर गली वाले घर वाले तोड़ देंगे। तो गंदगी की प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा, नालियां साफ नहीं, सामने कूड़ादान बन गया प्लॉट में, और भी बस मेन प्रॉब्लम तो यही, बाकी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और नालियों की? नाली तो जी भरी पड़ी है पूरी की पूरी, अभी भी आप चेक मार लो देख लो नाली, फिर सामने प्लॉट खाली पड़ा है, उसमें कितना कूड़ा है, कूड़ादान बन चुके हैं यहाँ पे, मतलब खाली प्लॉट कचरे का घर बन रहे। यस बिल्कुल राइट, यही चीज प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब किसको बोले, MCD आती है वो भी कहते हैं यार पैसे दो फिर जाके सफाई होगी यहाँ पे, अब किसको जाके पकड़े हम, किसको बोले? अगर कूड़े की पहाड़ की प्रतियोगिता हो तो आपका वार्ड नंबर 1 पे आएगा। हाँ ये बात राइट बोल रहे हो कि आपके अगर ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है तो, ये आपके एरिया के पास में ही है कूड़े का पहाड़? हाँ ये बाईपास आपका लेफ्ट हैंड, हाँ वही वहाँ हटे जाना पहले, अपने घर के सामने से सफाई हो जी। वहाँ तो बात की बात है, वहाँ तो हमें कब होता है तो वहाँ पे जाता है जी, वो तो MCD वो तो बात की बात है, देखो घर के आगे कचरा, हमें तो वहाँ पे कभी कभार जाना है, समझ रहे हो बात, सामने देखो घर की इतनी गंदगी पड़ी है, वही गंदगी की प्रॉब्लम, बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ से, बाकी किसी कंप्लेंट कर नहीं रहे हम लोग, बस गंदगी की प्रॉब्लम है जो हमारी है, अब इसे कौन ठीक करवाएगा क्या करवाएगा कुछ नहीं पता। सफाई कर्मचारी के बारे में बताइए आप, सफाई कर्मचारी आते हैं यहाँ पर साफ करने के लिए, नालियाँ साफ है या नहीं है, अगर नालियाँ साफ करके जाते हैं तो उठा रहे आते हैं उसको या नहीं, कचरे की गाड़ी आती है? थोड़ा आप एक बार कैमरा लेके फोकस करो ना, एक बार आप ही देखो ना, सबसे बड़ी बात तो हमारी बातों पर क्या है, मैन वहाँ पर दिख जाएगा जो भी है, मैन जो है ना नाली में देखो कितना गंदगी है, सामने प्लॉट में देखो, हमें बोलने की जरूरत नहीं, कैमरा घुमा के देखो एक बार आप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कचरा बहुत ज्यादा है, खाली प्लॉट कचरे का अड्डा बन रहे हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलना चाहूंगा कि एक बार पूरी तस्वीर दिखाए कि कैसे ये सारे प्लॉट जो है यहाँ पर कचरा डाला जा रहा है और चारों तरफ कचरा फैला हुआ है। आपको बता दें कि अगर कचरे के पहाड़ों की प्रतियोगिता हो तो इस वार्ड का नाम सबसे पहले आएगा, एक नंबर पे आएगा। समस्या यही सफाई की सबसे बड़ी समस्या है, और कोई समस्या? और आपके वार्ड में हर जगह कचरे के ढेर है, खाली प्लॉट कचरे का घर है? बिल्कुल कोई कर्मचारी सफाई के लिए यहाँ आता नहीं है, आता है तो प्लस कहता जी कुछ खर्चा पानी दो तो ही करेंगे जी, वैसे कोई नहीं आता,
खुद ही हम लोगों को खुद करना पड़ता है। ये हमारे अंकल हैं, रोज करते हैं, हम खुद लगे रहते हैं। सफाई नहीं है, नाली की सफाई नहीं है, कूड़े के ढेर हैं, हर प्लाट में कोई उठाकर राजी नहीं। अगर किसी को कहते भी, कहने लगे हम खर्चा पानी तो हम कर देंगे। सफाई कर्मचारी आपसे खर्चा पानी मांगते हैं? जी। और क्या क्या समस्या है? बस अभी तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है। और जो आपके पार्षद हैं वो आते हैं देखने के लिए कभी? हमने आज तक भी नहीं देखे इस गली में। स्वरूप नगर के वार्ड नंबर 19 में हमने जाना लोगों की समस्याएं और यहाँ के हालात। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ के हालात इतने खराब हैं, चारों तरफ यहाँ पर कूड़ा कचरा इकट्ठा हो रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ के लोगों ने बताया है कि अगर कूड़े की पहाड़ की प्रतियोगिता रखी जाए तो वार्ड नंबर 19 का नाम सबसे पहले आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ मैं मिर्जा साहिल बेग, न्यूज 44 दिल्ली।